बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स लेक्चर नंबर 71 है जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, और चैप्टर नंबर 8 है। इसके बाद सिर्फ दो चैप्टर हमारे और रहेगा, चैप्टर 9 और 10। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड, तो म्यूजिकल साउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। ये फिजिकल क्वान्टिटीज़ हैं, फिजिकल क्वान्टिटीज़ होती हैं जिन्हें मेजर किया जा सके। डिफाइन इज़ द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम। यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड में कितनी लाइन पास हो रही है, साउंड एनर्जी पास हो रही है जब सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर रखा जाए, वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन एरिया और टाइम। एनर्जी का यूनिट जूल होता है, एरिया मीटर स्क्वायर, और टाइम का सेकेंड होता है, तो इसका यूनिट आ जाएगा जूल पर सेकेंड, तो वॉट होता है, तो वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इट इज़ अ सेंसेशन। अब लाउडनेस क्या है, लाउडनेस सेंसेशन है विच प्रोड्यूस टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ साउंड इन अवर एयर। हमारे कान में दो मुख्तलिफ इंटेंसिटीज ऑफ साउंड को ये पहचान लेता है या फ़र्क कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे हल्की आवाज़ में बात कर रहा है तो, और कोई तेज़ आवाज़ में, तो हमने दो आवाज़ों के दरमियान फ़र्क कर सकता है हमारा कान। तो ये सेंसेशन है जो दो मुख्तलिफ इंटेंसिटीज ऑफ साउंड को हमारा कान अलग अलग कर सके, उसे लाउडनेस कहा जाता है, या मैग्नीट्यूड ऑडियोबल सेंसेशन। अब टीवी चल रहा है तो उसकी जो आवाज़ है, अगर हम लोग 10 पे रखेंगे तो बस जो करीब बैठे हुए उनको नज़र आएगा, या हमारे कान को एक मामूली सी आवाज़ समझ जाएगी। लेकिन अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ बढ़ा दिया, अगर ऑडियो सेंसेशन का है, यानी 10 से हमने 50 कर दी, तो मैग्नीट्यूड ही बढ़ाया, हमने नंबर बढ़ाया है, तो वो लाउडनेस वो बढ़ जाएगी आवाज़। तो लाउडनेस डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। और एक लॉ है, वेबर्स लॉ, वो कहता है इन दोनों के दरमियान रिलेशन बताता है इंटेंसिटी और लाउडनेस के दरमियान, वो ये कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी, जब भी प्रोपोर्शनलिटी इज इक्वल टू मोशन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे के है। अब इंटेंसिटी लेवल, द डिफरेंस बिटवीन टू लाउडनेस व्हेन अ साउंड एट द इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोनेंट -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको इंटेंसिटी लेवल। तो दो लाउडनेस के दरमियान जब साउंड का इतना फ़र्क आ जाए तो उसे इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। दो साउंड्स हैं, एक आई नॉट और एक आई। लाउडनेस ऑफ साउंड एल नॉट होगा के और लॉग आई नॉट, एल चाहिए तो के और लॉग आई, जीरो और हमने इसको हटाने के लिए कर दिया। अब इंटेंसिटी लेवल होता है दोनों का डिफरेंस, तो यानी एल माइनस एल नॉट, एल का आंसर है के लॉग आई, उसका के नॉट लॉग आई नॉट, के कॉमन ले लिया, लॉग आई अपॉन लॉग आई नॉट, जब भी लॉग में माइनस होता है तो वो डिवाइड में चला जाता है, तो लॉग आई अपॉन आई नॉट हो जाएगा। और इंटेंसिटी लेवल को हम बेल में मेजर करते हैं, अगर के वन है तो इंटेंसिटी लेवल लॉग आई अपॉन आई नॉट। यूनिट क्या है इसका, बेल, ये यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का, डिफाइन करता है अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड 10 गुना ज़्यादा हो आई नॉट, यानी इनिशियल जो इंटेंसिटी उससे 10 गुना अगर ज़्यादा है तो वो 1 बेल होगा। तो 10 I0 इंटेंसिटी लेवल, क्योंकि 10 गुना ज़्यादा है तो 10 I0 साइन और लॉग 10 1 होता है, तो इस वजह से इंटेंसिटी लेवल जो है 1 बेल आ जाएगा। एक और का यूनिट होता है सोन, अगर इट इज़ अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, ये भी इंटेंसिटी यूनिट का लेवल है, और डिफाइन करता है इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 10,000 टाइम्स ऑफ आई नॉट। एक तो था 10 गुना, एक है 10,000 गुना, तो इंटेंसिटी लेवल 1 सोन कहलाएगी। अब मैं 10,000 डालूँ आई नॉट, आई नॉट कट गया, लॉग 10,000 जो होता है वो 4 होता है, तो 4 बेल बराबर हो गया 1 सोन के। ये भी MCQs और एप्टीट्यूड में आ सकता है, पूछा जा सकता है। बहरहाल अब दूसरी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ रहे हैं, तो हमने इंटेंसिटी लेवल और लाउडनेस पढ़ लिया, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ पिच देख रहे हैं। पिच इज़ अ सेंसेशन विच प्रोड्यूस टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड। पिच भी सेंसेशन है जो दो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड को हमारा कान पहचान लेता है। पिच डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, जैसे वहाँ लाउडनेस है यहाँ पिच है। अगर साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वो उसकी पिच भी ज़्यादा होगी, साउंड शेल यानी बारीक आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब उसकी पिच भी कम है और साउंड जो है वो शिल उसकी साउंड जो होगी वो ग्रेव होगी यानी भारी आवाज़ होगी। तो ख़वातीन की जो आवाज़ होती है वो शिल होती है यानी बारीक आवाज़ होती है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है और पिच भी ज़्यादा होती है, जबकि मर्दों की आवाज़ भारी होती है तो पिच और जो है और वो जो है आपका लापता करेगा फ्रीक्वेंसी, वो दोनों कम होती है। अब क्वालिटी, बहरहाल साइंस की भी कुछ ना कुछ हदूद हैं, तो वही हद हम यहाँ पर देखेंगे समझेंगे कि दो साउंड हैं,
उनकी इंटेंसिटी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। जब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम है तो लाउडनेस और पिच भी सेम होगी, लेकिन फिर भी वो दो मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं हमारे कान को, तो उन दो आवाज़ों का जो फ़र्क है वो साइंस ने हमें बता पा रही, तो हमने उसको क्वालिटी का नाम दे दिया। तो चारों चीज़ें सेम थी, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पिच और लाउडनेस, चारों चीज़ें दो साउंड्स की सेम हैं, लेकिन फिर भी हमारे कान को अलग आवाज़, दोनों अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो साइंस इसके बाद नहीं इनके दरमियान डिफरेंस शो कर पा रही कि क्या फ़र्क है। तो बहरहाल इसको फिर क्वालिटी का नाम दे दिया गया कि क्वालिटी है इन दोनों में, ऐसे फ़र्क कर रही है जो दोनों चीज़ों को। उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स जो हम अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।